तो स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 में ये लोग किसी ना किसी को कंफर्म मारने वाले हैं। अब वो कौन होगा, विल, एल, माइक, डस्टिन, लुकस, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन किसी ना किसी को ये कंफर्म टपकाएंगे। प्रॉबेबली चांस ज़्यादा बने रहते हैं विल और एल के, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक ये लोग इन दोनों की लेते चले आ रहे हैं। और ऊपर से डफर ब्रदर ने भी ये कंफर्म किया है कि ऐसी इमोशनल एंडिंग आपने आज तक नहीं देखी होगी। अगर इन लोगों ने स्टीव और डस्टिन को कुछ किया ना तो क्या कर लेगा बे, तो मैं रोने लग जाऊंगा भाई। तो अब जिन लोगों को स्ट्रेंजर थिंग सीजन 4 की एंडिंग याद होगी, एडी मर चुका है, मैक्स की सारी हड्डियां टूट चुकी है, और इलेवन जब उसे टच करके ऐसे महसूस करने की ट्राई करती है, उसके दिमाग में देखती है, तब उसे एम्प्टीनेस दिखती है, जैसे कि उसकी बॉडी तो जिंदा है लेकिन मैक्स की सोल उसकी बॉडी में नहीं है। बहुत दुखी है भाई, बंद कर दे तू इसको। तो यहीं से सीजन 5 की स्टोरी पिकअप होगी। हमने स्ट्रेंजर थिंग के फर्स्ट सीजन से लेके अभी तक जितने सारे क्रिएचर देखे हैं वो सारे हॉकिंस में आने की ट्राई करेंगे। अगर एल किसी तरह वेकना को मार देती है तो ये क्रिएचर भाई अपना कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार आपने देखा था कि जब एल ने वेकना को अपसाइड डाउन में भेजा था तब वहाँ के क्रिएचर उसे कोई हार्म नहीं कर रहे थे, वो खेल रहे थे, अपनी मस्ती में मस्त थे, क्योंकि वेकना ने उनके बीच में एक कनेक्शन बिठाया हुआ है। ये कोई भूख मिटाने के लिए इंसानों को नहीं मारते हैं। अगर ऐसा होता तो आपको याद होगा कि डस्टिन ने एक बार डार्ट को पाला था, वो उसे तभी ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं, ये सारे एक पैट की तरह है, इनके बीच में आप कनेक्शन बिठा के अच्छे और बुरे दोनों काम करवा सकते हो। तो अब भाई सीजन 5 कब देखने को मिलेगा, तो रिसेंटली इन लोगों ने कैमरा लेके दौड़ने का काम चालू कर दिया है, मतलब फिल्मिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। इन लोगों ने प्री प्रोडक्शन और स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया है। पहले चैप्टर का नाम भी अनाउंस हो चुका है, विल का एल के साथ हुआ ब्रेकअप, दोनों पकड़े गए, ऐसा नहीं है बल्कि नाम है द क्रूअल। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना तो अगली दिवाली अज्यूम करके चलो, क्योंकि इन लोगों ने प्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, इसलिए अगली दिवाली बेस्ट रहेगा, नहीं तो भाई डील टूटेगा। तो भाई ये जो मैक्स वाला सीन है जो अभी दिख रहा है, इस सीन में जो पीछे गाना बज रहा है ना, ये कैट बुशप का सॉन्ग 1985 में रिलीज हुआ था, और स्ट्रेंजर थिंग के आने के बाद में ये टॉप 10 में आ गया भाई गाना। सोचो स्ट्रेंजर थिंग के आने के बाद में गाने अब जाने लगे हैं। ये गाना भाई, अब आप बोलोगे कि इतनी रिसर्च इन गानों पे कौन करता है, मैं करता हूँ भाई, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग देखने के बाद ये दिमाग में घूम रहा था इसलिए रिसर्च कर डाली, और क्या। तो क्या स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 लास्ट सीजन होगा? इसका आंसर आपको कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि एक तरफ नेटफ्लिक्स वाले अपने हिट शो को आगे प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा दबाव बनाते हैं, वहीं पे डफर ब्रदर ने सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक जो भी स्टोरी अभी तक क्रिएट की है उसका वेकना एंड था। अब भाई वेकना के बाद दिखाएंगे क्या, कोई अलग ग्रह का प्राणी थोड़ी दिखाने वाला है ये लोग, तो उनकी स्टोरी का एंड यहीं तक हो जाएगा। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले भाई उन पर दबाव भी बना सकते हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सीजन ना आ जाए, किसी की बातों को भरोसा मत करो। तो भाई आज के लिए इतना ही ज्ञान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।